भगवान का मन हुआ है रास रचाने का। आज भगवान क्या रचाना चाहते हैं? रास। इसलिए भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्य मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः निशम्य गीतं तदनंग वर्धनं व्रजश्रियः कृष्ण ग्रहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। आज भगवान ने सुंदर सा गीत गाया, क्लीम बीज मंत्र छोड़ा, सारी गोपियां अपने काम में। देखो आज भगवान रास रचाना चाहते हैं, गोपियां अपने काम में लगी हैं, अधरों पर बांसुरी रखी श्याम सुंदर ने और जो बांसुरी बजाई, वाह, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरली के बजैया की। जब बांसुरी बजी साहब, बड़े प्रेम से गोपियां अपना काम धाम छोड़ छोड़ करके दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। सारी गोपियां दौड़ती हैं श्री कृष्ण से मिलने के लिए पागलों की व्याकुल। क्यों? आज भगवान ने बांसुरी बजाई है और गोपियों को बुलाया है, आओ सखियो आओ आओ है? सारी गोपियां कोई दोहंतो भी अयो काश्चित दोहम हित्वा समत्सुका। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, गाय वहीं बर्तन वहीं दूध वहीं, दौड़ पड़ी कृष्ण कृष्ण। एक सखी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी, बच्चे को वहीं छोड़ा, दौड़ पड़ी श्री कृष्ण से मिलने के लिए। गोपियां सारा काम छोड़ती हैं पर कृष्ण को नहीं छोड़ती। काम देखो, काम तो कल भी हो जाएगा, काम तो देखो सारी जिंदगी काम करना है। जब से हम लोग होश संभालते हैं ना, तब से काम शुरू होते हैं और जब तक प्राण निकल नहीं जाते तब तक काम पूरे नहीं होते। प्राण निकलने के एक घंटे पहले तक भी आदमी काम ही करता है, प्राण निकलने के 10 मिनट पहले तक भी व्यक्ति काम ही करता है, काम खत्म ही नहीं होते। इसलिए आप क्या कहते हैं, महाराज जी काम हो जाए हम भी वृंदावन आएंगे, थोड़ा ये काम हो जाए हमारा, हम भी भागवत सुनेंगे, थोड़ा ये काम हो जाए हमारा। काम ऐसी तुम्हारे बाप दादे मर गए कह कह के काम पूरा होगा तब जाएंगे, निपट गए, काम पूरा हुआ ही नहीं। बताओ काम पूरे होते हैं? जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, कुछ वक्त ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। समय होता नहीं है। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा, संत जी बोले काहे खड़ा है? अरे नहाना चाहता हूं। संत जी बोले तो नहा ले, समुद्र में पानी की कमी है क्या, मार डुबकी। बोले नहीं, हम नहाएंगे पर हम सोच रहे थोड़ी ये लहरें बंद हो जाएं समुद्र की, फिर हम नहाएं। संत जी बोले तेरी उम्र बीत जाएगी पर ये समुद्र की लहरें बंद, इन्हीं लहरों में घुस के नहाना पड़ेगा। ऐसे आपकी जिंदगी बीत जाएगी पर काम खत्म ना होगा, कामों की लहरें सदा उठती रहती हैं, इन्हीं कामों के बीच में आपको प्रभु के लिए समय निकालना पड़ेगा और प्रभु से प्रेम करके अपना कल्याण करना पड़ेगा। आप सोचें कि हमारे पास अलग से समय आए तो समय किसके पास आता है बताओ? सब बिजी है, रिक्शा चलाने वाला भी बिजी है, टाटा बिड़ला अडानी अंबानी भी बिजी है, फ्री कौन है? इसलिए समय होता नहीं है, निकालना पड़ता है। जैसे आप लोग बिजी थे पर आपने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं, समय निकाला, निकाला तो देखो व्यस्ततम समय से निकला और आप आ गए। यदि आप नहीं सोचते नहीं निकालते तो आप भी अभी घर में किसी ना किसी काम में बिजी ही होते, अभी भी आप फ्री थोड़ी होते, कुछ कर ही रहे होते आप। तो काम तो देखो खत्म नहीं होगा, काम तो बढ़ता ही चला जाएगा और काम बढ़ना भी चाहिए, भगवान करे आपका काम खूब बढ़े, लेकिन उस काम के
व्यस्तता में प्रभु को ना भूल जाओ, इस बात को ध्यान रखो। गोपियां काम करती हैं पर काम करते हुए प्रभु को याद रखती हैं और यही भक्ति है। आज एक लड़का मेरे पास आया, बोला महाराज जी मैं सब छोड़ के आ गया, परिवार छोड़ाया, माँ बाप छोड़ाया, घर छोड़ाया, अब मैं सब छोड़ के आ गया, अब बताओ कब कहा गया आपसे कि सब छोड़ दो? किसने कहा आपसे कि सब छोड़ दो? छोड़ना नहीं है, सब कार्य करते हुए प्रभु को याद रखना है, जैसे अर्जुन महाभारत लड़ते हुए कृष्ण को याद रखे हैं। वो युद्ध लड़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, पर काम करते हुए ये भाव है कि ये काम मेरा नहीं, ये काम भगवान का है। अनिरुद्धाचार्य भी काम करता है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि ये काम मेरा है, मैं ये मानता हूं कि ये तो गौरी गोपाल भगवान का कार्य है, ये तो प्रभु का काम है, मेरा थोड़ी कोई काम है। ये कथा सुनाना भी उन्हीं का काम है, आप लोगों की ये कथा सुनाकर सेवा, माताओं की सेवा, अन्न क्षेत्र की सेवा, गायों की सेवा, ये प्रभु का काम है, हम नहीं करने वाले हैं ना हम करा रहे हैं, भगवान ही करने वाले हैं और वही कराने वाले हैं। हम अपना ना माने, आप भी दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, परिवार की सेवा करो, सारा काम करो, पर ये मत मानो कि ये परिवार मेरा है, ये व्यापार मेरा ना, प्रभु ये सब कुछ आपका, ये आपकी अमानत है, हम तो भगवान के नौकर हैं। जब आप अपने आप को ईश्वर का मान के कार्य करोगे कि प्रभु ये सारा कारोबार आपका है, आप इसके मालिक, हम तो आपके एक छोटे से नौकर हैं, कार्यकर्ता हैं, हम तो जो आपने जिम्मेदारी दी है दो बच्चों की, चार बच्चों की, परिवार की, वो हम पूरी कर रहे हैं, कोई हम मुखिया बन के नहीं कर रहे हैं, हम आपके नौकर बन के कर रहे हैं। भरत जी ने, राम जी ने कहा अयोध्या जाओ, राम जी ने कहा अयोध्या जाओ भरत, तो भरत जी चले, लेकिन भरत जी अकेले नहीं गए, हे प्रभु आपकी चरण पादुका चाहिए, चरण पादुका लिए और सिंहासन पर किसे बिठाया? भरत जी ने सिंहासन पर किसे बिठाया? राम जी की चरण पादुका को, और खुद कहां बैठे? नीचे, और राज्य का पूरा ख्याल रखा, सारी गतिविधि की, सारे काम किए, लेकिन ये भाव से किया कि राम ही मालिक हैं, राजा तो राम है, हम तो राजा के नौकर हैं, हम तो राम के नौकर हैं। इस भाव से भरत जी ने 12-14 साल तक पूरा अयोध्या संभाली।